Village of Performers and hello. और सो मच कम गर्ल्स कम आगे पैसे दिए आगे आओ थोड़ा वेरी गुड इवनिंग टू 61st फिल्म फेयर। क्या बकवास सी एंट्री की है तुमने यार। बकवास एंट्री भाई, चार लड़कियों के साथ आया हूं और क्या मोदी साहब को ले आऊं? इतनी अच्छी एंट्री तो ली है मैंने। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था, मैं लड़कियों से पूछ रहा था। यू कुड हैव कम विद समवन बेटर, सम बिग स्टार। भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये मेरे मोहल्ले में रहती हैं, इनके लिए मैं ही शाहरुख खान हूँ। गर्ल्स थैंक यू सो मच फॉर एस्कॉर्टिंग मी। बताओ मुझको कैसा लग रहा है फिल्म फेयर के इस बड़े खूबसूरत सेट पर आकर। शायद आपको पता नहीं है, लास्ट ईयर मैं और करण जौहर साथ में होस्ट कर चुके हैं। मुझे पता है, इसलिए इस्लाम मुझे बुलाया गया है। करण का परफॉर्मेंस खराब हुआ ना, मुझे तो नहीं रिप्लेस किया ना। करण का परफॉर्मेंस खराब हो ही नहीं सकता है, मैं उसको बरसों से जानता हूं। सर मैं होस्टिंग की बात कर रहा हूं। मैं भी डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। ओके। वैसे भाई एक बात है, इंडस्ट्री में रेसिज्म बहुत ज्यादा है। रियली क्यों? लास्ट ईयर जब मैं और करण सर होस्ट कर रहे थे, इतना बड़ा सेट था ही नहीं। आज आप होस्ट कर रहे हो तो इतना बड़ा ग्रेंजर शानदार सेट लगा के दिया आपको यार। तूने एक बात नोट नहीं की क्या? शानदार होने के बावजूद भी अच्छा है। आई एम सॉरी, मुझे ऐसे जोक करने नहीं चाहिए। कल मुझे ना आलिया और शाहिद से आके मुझको माफी मांगनी पड़ेगी। वैसे आपको फिल्म फेयर होस्ट करने की जरूरत क्या है? आधे से ज्यादा फिल्म फेयर अवार्ड तो आपके घर पे पड़े हुए हैं। आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि फिल्म फेयर की जो ट्रॉफी है, पहले इसकी शेप ऐसी नहीं होती थी जैसे आज है। आजकल ऐसे है ना, ये हाथ पकड़ के यूं खड़ी है। पहले ऐसे होती थी फिल्म फेयर की ट्रॉफी की शेप। शाहरुख भाई ने इतनी फिल्म फेयर जीत ली, इतनी और ट्रॉफी ने खुद ही शेप ऐसी कर ली, कहती आजा बहन तू भी आजा। मैं तो शाहरुख के घर में बरसों से हूं, तू कैसे आई? मैं तो बाजी करके लिए आई, तू मैं दिल वाले। रुला अहमद यार, आंखों में आंसू आ जाएंगे। इस साल कोई भी ट्रॉफी नहीं दे रहे मुझको। मतलब आज हिस्ट्री क्रिएट होगी कि शाहरुख खान हमेशा अवार्ड लेते रहे, आज लोग आपके हाथ से अवार्ड लेंगे। मेरे हाथ से? और थैंक यू नरेश। कपिल तुमसे पूछना चाह रहा था कि तुम्हारी इस साल की फेवरेट फिल्म कौन सी है? ऑफ कोर्स दिलवाले, पर वो क्रिटिक्स कुछ बोल रहे थे। नहीं वो क्या है, वो क्रिटिक्स का जो है ना मुझसे थोड़ा ज्यादा ही प्यार है। एक्चुअली उन्होंने जब मेरी शादी का भी वीडियो देखा था ना, उसे केवल 2 स्टार्स दिए थे। हाँ बोलने लगे कुछ नया नहीं है, वही दूल्हा वही दुल्हन वही साथ फेरे, सेम स्टोरी है। उनका मिसा थोड़ा सा ऐसा प्यासा था। शाहरुख भाई नाना करते भी आपने आज कुछ ज्यादा बोल दिया है, कल फिर आपको सॉरी बोलना पड़ेगा। मेरा यही प्रॉब्लम है यार, मेरा मुंह रुकता नहीं है, निकल जाता है, इसलिए मैंने तुमको यहाँ पर बुलाया। पता मैं संडे के संडे ना बच्चों के लिए कभी कभी खाना बनाता हूँ। आई नो। हाँ तो उनसे मैं पूछता हूँ कि तुम क्या क्या चाहते हो मैं क्या बनाऊं, तो कहते पापा कुछ भी बनाना, इस बार ब्रेकिंग न्यूज मत बनाना। वैसे आपको पता शाहरुख भाई, मैं बहुत अच्छा रोमांस करने वाला था, मेरे हाथ थोड़े से खुल भी गए थे। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार जिस काम में बड़े भाई का अच्छा दुकान चल रहा है, मैं क्यों हाथ डालूं। बस यही सोचकर मैंने भी टीवी पर कॉमेडी नहीं की। मैंने कहा छोटे भाई का घर चल रहा है जिस काम से, उसमें मैं हाथ क्यों डालूं। जवाब जरूर देना ना आपने। वैसे मैं आप सबको बताना चाहता हूं, मेरी फिल्म में एक बहुत ही अच्छा रोमांटिक सॉन्ग था, तू हीर मेरी। मैं थोड़ा सा गा के सुनाता हूं आपको। तू हीर मेरी तू जिस्म मेरा, क्या बात, मैं रांझा हूं लिबास तेरा। मैं चाहता हूं भाई आप मुझे इस गाने पे थोड़ा सा परफॉर्म करके बताएं कि अगर शाहरुख भाई ऐसा करते तो जाहिर सी बात है, मतलब ही इज अ रोमांस किंग, तो यहां पे मैं आपको बकायदा कंपनी देता हूं। ओके, मैं खुद नहीं, जैसा जैसा आपको ओरिजिनल लड़की देता हूं। ओके जी, मैं एक सेकंड मैं देख के हूं, मेरे बुला उसके नीचे। ओके अच्छा, आप क्या चाहते हैं मैं यहां पे किनको इनवाइट करूं?
शाहरुख भाई के साथ रोमांस करने के लिए? मुझे क्लियर नहीं सुन रहा है, सुनेगा भी नहीं। ओके माधुरी मैम, डॉक्टर नेने हाउ आर यू? एक तो ना डॉक्टर नेने हमेशा साथ रहते, माधुरी हमें डर लगता है कुछ बोलने में, इतना बड़ा इंजेक्शन लेके चलते हैं सूटकेस में, जिसने किसने मेरी बीवी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की ठोक देते हैं, पूछते भी नहीं है। वेलकम सर। अच्छा बड़ा फायदा हुआ डॉक्टर नेने को ज्यादा हिंदी समझ में आती नहीं, तो थोड़ा मैं बोल के बच के निकल जाता हूं। माधुरी मैम मैं चाहता हूं कि प्लीज आप 2 मिनट के लिए मंच पे आए, क्योंकि हर कोई आपका दीवाना है, आपको देखना चाहता है, आप कमाल लग रही हैं हमेशा की तरह। माधुरी दीक्षित जी के लिए जोरदार तालियां। स्टेज तक जाते जाते तो मैं कर ही सकता हूं। वीर मेरी जिस्म मेरा। आइए मैम। तो शाहरुख भाई माइक मुझे दे दीजिए, आप काम पे लग जाइए। भाई साहब गाना बंद हो गया, वो इंजेक्शन भरना शुरू कर दिया उन्होंने। इस साल तो अपने परफॉर्मेंस की वजह से मैं भी काफी न्यूज में रहा हूँ। हाँ मैंने देखी तेरी परफॉर्मेंस यार, अपनी बीवियों को ऐसे हक कर रहा जैसे दूसरों की बीवी है। मुझे देख, मैं दूसरों की बीवी को ऐसे हक करता हूँ जैसी मेरी अपनी है। तो अगर वो पंजाबी में बनाई जाए हाँ। तो उनके टाइटल्स क्या होंगे? आयरन मैन, लोहे का बंदा, टाइटैनिक, बेअगर ग्रुप, जो लिटरल ट्रांसलेशन करते हैं लिरिक्स के कि आप लोगों को समझ आ जाए। और तू ना कुछ डांस नहीं करना, बस मुझको फॉलो करते रहना और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं वैसे भी आपको फॉलो कर रहा हूं कई सालों से। बचावत ग्रुप विथ परफॉर्मेंस लिटरल ट्रांसलेशन ऑफ लिरिक्स इन हिंदी एंड इन इंग्लिश, सो प्रेजेंटिंग हियर, लेट्स गो। ओके 1 2 3 दिल तो हर किसी के पास होता है, लेकिन सब दिल वाले नहीं। धूप से निकल के छांव से फिसल के हम मिले जहां पर निकली है दिल से ये दुआ तुम है गेरुआ के पन्नों पे मैंने लिखा था 100 दफा लफ्जों में हुआ रहूं तो से बाया कि मैं हूं ही तेरा So ladies and gentlemen, the next award that is being given is for best lyrics, and the nominees for the best lyrics are my son Harshvardhan Kapoor. Thank you so much. Thank you. It's a special award.
आपके लिए प्यार से मैंने बनाया, आराम से खोलिए, हमने बड़े महंगी वेलवेट लगवाई है, बॉम्बे से मंगवाई हमने। बहुत महंगा पड़ गया ये बॉम्बे का वेलवेट। अरे सर ये तो आपका प्यार है, मुझे पता है आजकल आप रात रात भर जाग के मेरे लिए फिल्में लिख रहे हैं। हाँ लिख तो रहा हूँ, और फिल्म का नाम है भाऊजी सताएबा, पड़ोसन बनाए मौसम, चोली में चले गोली। सर मैं हॉलीवुड जाने की सोच रहा हूँ और आप भोजपुरी फिल्म में फंसे हुए आप। हाँ तू वहां चला गया ना हॉलीवुड तो एंजेलिना जोली बोलने लगेगी, खसमा नु खाने तेरा बेड़ा करक तेनु कीड़े पड़े। सर आप कितनी अच्छी पंजाबी बोल रहे हैं। हाँ अच्छा आपको अगर इतनी अच्छी पंजाबी आती है हाँ। तो मैं कुछ फिल्मों के नाम लेता हूँ हॉलीवुड हाँ। फिल्मों के हाँ। अगर वो पंजाबी में बनाई जाए हाँ। तो उनके टाइटल्स क्या होंगे। मिशन इम्पॉसिबल। काम नहीं हो सकता क्या बात है। मिशन इम्पॉसिबल टू। काम बिल्कुल नहीं हो सकता क्या बात है सर। मिशन इम्पॉसिबल थ्री। अरे बोल दिया काम नहीं हो सकता, बार बार बोलते रहते हो तुम, बच्चे की जान लोगे क्या। वेरी नाइस करण सर। ओके आयरन मैन। लोहे का बंदा। टाइटैनिक। बेड़ा गर्क। वेरी नाइस ब्रो, नाउ आई एम श्योर यू कैन टेक केयर ऑफ बॉलीवुड, आई विल गो टू हॉलीवुड नाउ। तू भी बता दे ना तू कहाँ जा रहा है, वहां जाकर बॉलीवुड की फिल्म्स के नाम इंग्लिश में क्या होंगे। या व्हाई नॉट, मैं आपसे शुरू करूं। या व्हाई नॉट, ऑलराइट स्ट्रेट लेट्स गो, इंग्लिश में क्या होंगे। सो टेल मी एट द काउंट ऑफ 3, 2, 1, किस किस से प्यार करूं। बूम बूम आई लव। मर्दानी। ए लेडी विद मस्टैचेस। बाहुबली। बाहुबली स्ट्रॉन्ग डॉटर इन लॉ। मरो शानदार। सॉरी शानदार मीन्स माइंड ब्लोइंग। नहीं आई एम टेलिंग अकॉर्डिंग टू बॉक्स ऑफिस। सही है, कुछ कह भी नहीं सकता। दम लगा के हशा। वेरी सिंपल कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन या क्यों अमित सर लगता है इनको कभी हुई नहीं, इनको पता नहीं सबसे ज्यादा दम वही लगता है। दिस इज राइट आंसर ब्रो। हवाई ज्यादा। हवाई ज्यादा फाटमैन। कपिल यार तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, बड़े बड़े दिग्गज लोग बैठे हुए हैं ऑडियंस में और तुम फाट की बात कर रहे हो। सर फाट काम ही बड़े लोगों का, गरीब आदमी को भरपेट खाना नसीब नहीं होता। दे कांट अफोर्ड फाट सर। इट्स पैसे वालों का काम है। फिल्म फेयर अवार्ड्स हो या लेज। मैं आप सबके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली आज पहली बार ऐसा हुआ है कि फिल्म फेयर में जो हमारी ऑडियंस है अपने चहेते कलाकारों को देखने के लिए यहां पे आज आए हैं। मैं आप सबके लिए, मैं चाहूंगा कि आप खुद अपने लिए जोरदार ताली बजाएं। मैं आप सबसे बात करना चाहता हूं बिकॉज आप लोग अपने चहेते स्टार्स को करीब से देखने के लिए, उनसे बातें करने के लिए आए हैं। और चहेता स्टार देखो कितना मतलब ही है, दूर खड़ा होकर बोल रहा है। मैं आप सबके पास आता हूं। हाय हाउ आर यू। शर्मा क्यों रहे हैं आप? आपसे जी सर मैं आपसे बात करने जा रहा, आइए इधर। ऐसा लग रहा है मैं जेल में मिलने आया हूँ कैदी से। आइए हाउ आर यू सर। सबसे पहले तो ये बताइए आपने आज फिल्म फेयर में अपने किस चहेते स्टार को देखने के लिए टिकट लिया है। कपिल शर्मा। ओह माय गॉड। प्लीज फिल्म फेयर से मेरा अनुरोध है कि इनको रिफंड कर दिया जाए, मेरे दोस्त हैं, इतने बड़े बड़े फिल्म स्टार्स यहाँ पे मौजूद हैं, मेरा नाम लिया है। तो सर कौन सी हीरोइन को देखने के लिए टिकट लिया आपने। दीपिका पादुकोण। मेरी मुंबई पुलिस से अनुरोध है इनको जेल में डाल दिया जाए। आपको पता है मैं दीपू को कितना लाइक करता हूं, शर्म फ्लर्ट कर रहे हैं। रियली सॉरी रियली सर। मैं नो आपने कितने का टिकट लिया है। 2 लाख। दो लाख का टिकट लिया आपने। आप अकेले हैं क्या, आपकी वाइफ भी आई है। वाइफ कहां है। हेलो वाइफ जी, उनकी वाइफ जी, एक सेकंड।
2 लाख का आपका और 2 लाख का इनका, टोटल 4 लाख रुपया। दीपिका कैन यू हेयर मी, वेज दीपिका, शी इज वॉचिंग यू। इन्होंने 4 लाख रुपया खर्च किया है आपको देखने के लिए, इन्होंने 2 लाख किया, इन्होंने पता नहीं आपने जो अपना 2 लाख है आपने किनको देखने के लिए खर्च किया है? दीपिका पादुकोण। मेरे को एक बात बताइए, पहली बार जब आपकी शादी हुई आपको पहला गिफ्ट जो इन्होंने दिया था भाई साहब ने, वो कितने का था? देखिए दीपिका पादुकोण को देखने के लिए 4 लाख रुपया खर्च किया है, अपनी बीबी को आप बताइए सर, आपको तो याद होगा जो गिफ्ट दिया था वो 15,000 का था। अरे ये देखिए कितनी बड़ी बात है, अपनी खुद की पर्सनल बीवी को इन्होंने 15,000 का गिफ्ट दिया और दीपिका को देखने के लिए 4 लाख रुपए। दीपू मेरी चॉइस बहुत अच्छी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप यहां पे आए, आप बहुत ही प्यारे लोग हैं, बहुत मजा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच मैम। यहां पे बहुत ही खूबसूरत लोग बैठे हुए हैं, हाय हाउ आर यू? आई एम गुड थैंक यू। आपने अपने किस चहेते हीरो को देखने के लिए आज फिल्म फेयर का टिकट लिया है? रणवीर सिंह। रणवीर सिंह, आपको पता है दीपिका भी यही है? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप यहां पे आए, बहुत ही मजा आ रहा है आप सबको देख के। और मैं अपने जो फिल्म स्टार्स हैं मैं उनको एक बात कहने जाता हूं सर, यहां पे जितने भी बॉलीवुड के फैंस हैं उनके मन में कुछ सवाल हैं। बच्चन साहब उनके मन में ये सवाल था, उनके मन में, मेरे मन में बिल्कुल नहीं सर, वो ये जानना चाहते हैं कि ये जो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स होते हैं क्या वो भी नॉर्मल लोगों जैसे काम करते हैं, जैसे कभी नहाते नहाते पतला वाला साबुन आपका टूट के गिर जाए और उसके 2 टुकड़े हो जाएं और उसको जोड़ के आपने कभी ऐसे लगाया सर? ऐसे वो पूछना चाहते हैं सर, मेरा सवाल नहीं है ये। ऐसे होता है कभी नहाते नहाते गिर जाता ना सर पतला वाला साबुन, फिर आदमी जोड़ के करता है, देख तो रहा नहीं होता कि क्या कर रहे हैं आप अंदर, तो ऐसा होता है सर कभी? सर रोज होता है ये। मैं समझ गया एक्चुअली, क्योंकि आम आदमी का जो साबुन 10 दिन चलता है, बच्चन साहब का 3 दिन चलता है, एरिया बहुत ज्यादा है। जय मैम, हमारे हिंदुस्तान के जो चंद बड़े परिवार हैं आप उस परिवार की मुखिया हैं, जैसे कभी कभी सही सवाल पूछना। नहीं नहीं मैं बिल्कुल सही सवाल, जैसे जैसे मेरी मम्मी ऐसा कभी करती है कि शैंपू की बॉटल में शैंपू खत्म हो गया तो उसको धो के उसमें सरसों का तेल डाल लेती हैं, कभी ऐसा होता है मैम कभी? हमारे घर में नहीं। आपके घर में नहीं होता है सर, आप अपना साबुन का ध्यान रखा करें। मैम बहुत ध्यान रखती हैं इस चीज का, थैंक यू सो मच सर, शुक्रिया। आपसे जब भी मुलाकात होती है एक समय बन जाता है सर, मैं जानबूझ के भी आता हूँ सर आपके पास, मेरी फुटेज लगती है ना तो मेरे मोहल्ले वाले खुश हो जाते हैं, मैं मोहल्ले में बड़ी अक्कड़ से जाता हूँ, फिर मैं अभी अपने पड़ोसियों से ज्यादा बात करता नहीं हूँ। मैंने कहा मैं बच्चन साहब से बात करूँ, तुम लोग जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। प्रणाम मैम, कैसी आप? ठीक है आप? मैम अपने फैंस को हाथ हिला दीजिए, वो बोल रहे हैं कब से। हाय, गुड इवनिंग, हाय मुंबई, यू हैविंग अ गुड टाइम? मैम एक बात पूछनी थी, आपके बाल बड़े खूबसूरत हैं, इशार कभी ऐसा हुआ है कि शैंपू खत्म होने वाला हो, आपके बालों को ज्यादा लगता है ऑब्वियसली, बाल काफी घने हैं तो थोड़ा पानी मिक्स करके हिला के यूज किया हो? हाँ, मेरे साथ तो सालों से ऐसे होता रहा है। शुक्रिया मैम उनसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया। तो अभी आप लोग तैयार हैं एक जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए, तो जोर